दिल्ली दंगों के मुद्दे के ऊपर आज विपक्ष का एक डेलीगेशन राष्ट्रपति कोविंद से मिला। उन्होंने वहां पर मांग रखी कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। अभी हम लोग 5 लोग डेलीगेशन के रूप में ऑनरेबल रिस्पेक्टेड राष्ट्रपति जी को मिले थे, जिसमें येचुरी जी थे, डी राजा जी थे, गदीमोरी जी थी और मनोज झा जी थे। हमने एक मेमोरेंडम सबमिट किया है जिसमें हमने कहा है कि जब से ये सरकार आई है लोकतंत्र प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, अपने ओपोनेंट को दबाने की कोशिश हो रही है, उनकी आवाज़ किस तरह से बंद हो जाए उसकी कोशिश हो रही है। दिल्ली में जो रायट्स हुए थे, तूफान जो हुए थे 23 और 26 फरवरी के बीच में, और उसमें जिस तरह से सबको मालूम है, मीडिया वालों ने, आप लोगों ने भी काफ़ी कुछ चलाया हुआ था, उसमें जो लोग बाहर से भी आए थे, पुलिस का रोल भी, उनकी भूमिका भी सब जानते हैं, और जिस तरह से लोगों को पीटे गए थे, मारे गए थे, काफ़ी लोगों की जान भी गई, उसके बारे में पुलिस ने एक SIT और स्पेशल सेल भी बनवाया हुआ था इन्वेस्टिगेशन के लिए, और जिस तरह से चार्जशीट पेश की गई है उससे लगता है कि कोई डीप कॉन्स्पिरेसी है अपने ओपोनेंट को, या इकोनॉमिस्ट, एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी के लोग और पॉलिटिशियंस लोग, जिन्होंने जाके CAA के बारे में, NRP, NPA के बारे में जो भी चीज़ें थी उसके बारे में जाके एक एड्रेस करने की, जनता को, लोगों को, स्टूडेंट को उजागर करने की कोशिश की थी, तो ये हकीकत है। लेकिन उनका नाम भी उसमें डाल दिया है चार्जशीट में, जैसे वो लोग रायट्स को उकसा रहे थे। सही बात तो ये है कि जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनको तो प्रोटेक्शन मिल रहा है, और जो लोग जाके सही बात, असलियत बताने की कोशिश कर रहे हैं या उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग रिलीफ काम कर रहे हैं, उनका नाम किसी तरह से या उनको बुक करने की कोशिश हो रही है। मसला है, अभी जो चार्जशीट फाइल हुआ वही है मसला, लेकिन पुलिस का इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से किया गया वो चार्जशीट फाइल करने में, वो है हमारा सवाल, और वो राष्ट्रपति महोदय है हमारे संविधान के संरक्षक। हमारी संवैधानिक अधिकार जो शांतिपूर्वक ढंग से हम हमारा विरोध प्रदर्शन करें, उसको जोड़ना इस हिंसा के साथ और उसके आधार पर गिरफ्तार करना, जबकि हिंसा जो करवाए हैं, नफरत के भाषण जो दिए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, 53 लोग मारे गए, कौन है उसके जिम्मेदार, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तो ये एक साजिश है, राजनीतिक साजिश, उसके ऊपर अंकुश लगाने की, ये है हमारी निवेदन राष्ट्रपति महोदय। माननीय राष्ट्रपति जी, महामहिम संविधान के कस्टोडियन हैं, और संविधान के संरक्षक के पास तब जाना पड़ता है जब लगे कि संविधान का अनुपालन करने वाले, उसके माध्यम से लड़ाई लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले को आप अपराधी करार देते हैं। चाहे सीताराम येचुरी जी हों, जयति घोष जी हों, राहुल रॉय हों, अपूर्वानंद हों, मीरान हैदर हों, सफूरा जरगर हों, नताशा हो, मैं समझता हूँ एक बड़ी लंबी फहरिस्त है कि जो NTCA, उमर खालिद लेटेस्ट, तो NTCA प्रोटेस्ट को एक नई इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से, मैन्युफैक्चर्ड इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से उन लोगों को अपराधी करार दिया जा रहा है जिन्होंने पूरी जिंदगी हाथ में संविधान, कांधे पे तिरंगा लेकर के अहिंसा की बात की, बापू के हिंदुस्तान की बात की। तो जाहिर तौर पर ये संदेश हम ले गए, और हमने आग्रह किया है कि माननीय महामहिम पहलकदमी करें, इन्वेस्टिगेशन हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड, क्योंकि जिस प्रकार से हम चीज़ें देख रहे हैं वो हमारी लोकतांत्रिक रवायतों, व्यवस्थाओं के लिए, भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है। मसला तो कोर्ट के अंदर है। देखिए, मसला कोर्ट के अंदर है एक पार्ट में, देखिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो लोग कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सबके दाहिने हाथ में पॉकेट में कट्टा है, कौन से कहां पहुंच गए हम। अब देखिए, रिबेरियो साहब ने कौन सा खत लिखा, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के उन पुलिस ऑफिसर्स में है जिनकी जिनकी स्वायत्ता पर, जिनकी ऑटोनॉमी और इंटीग्रिटी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। हम असल में अपने देश के रवायतों को बौने हो जाने से बड़े चिंतित हैं, क्योंकि आज ये जो कविता है मेरे ठीक पीछे लगी हुई है, फर्स्ट दे केम फॉर सोशलिस्ट, आई डिड नॉट स्पीक बिकॉज आई वॉज नॉट ए सोशलिस्ट, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए।
मुसलमान, दलित, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, कोई भी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कल को सब जद में आएंगे अगर इन इन मैन्युफैक्चर्ड डाइसेंट को अपराधीकरण के चीज करने को हमने प्रोटेस्ट ना किया तो। राष्ट्रपति जी ने आपसे क्या कहा? देखिए, राष्ट्रपति जी ने भरोसा दिलाया है कि वो देखेंगे इस मामले को, और इतना कहना काफी होता है महामहिम का। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,